किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम समझाएं उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक कंसेप्ट आता है स्केर्सिटी का, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो मूल है, जो बेस है वो स्केर्सिटी ही है। तो स्केर्सिटी क्या होता है बच्चों, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और वांट्स अनलिमिटेड के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो लगातार बदलती भी रहती हैं। आप एक वांट्स को पूरा कर सकते हो लेकिन सारी वांट्स को तो पूरा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक वांट्स पूरी हो जाए, लेकिन जैसे ही आपकी एक वांट्स पूरी होती है सडनली आप देखोगे कि आप नई वांट्स पूरी हो गई। अब इसी उसमें गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि इच्छाओं की तो पूर्ति हो सकती है पर ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती है, यानी कि आपके लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो कई बार हमारी जो डिमांड है यानी कि जो हमारी विलिंगनेस है वो कई बार ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक इच्छा की अगर पूर्ति हो भी जाए तो कभी दूसरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारे पास जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब देखिए कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड ही हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। अब सारा का सारा पैसा अगर हम रोड बनाने पर खर्च कर देंगे तो एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हेल्थ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है। और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी पॉसिबल है, यानी कि लैंड का प्रयोग आप खेती के लिए भी कर सकते हो, बिल्डिंग बनाने के लिए भी कर सकते हो, रहने के लिए भी कर सकते हो, इसके अलावा आप वहां पे मैदान भी, प्ले ग्राउंड भी बना सकते हो। यानी कि एक रिसोर्सेज जो है वो उसका यूज आप अनलिमिटेड, या आप अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कई सारे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। तो इसी की वजह से इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम पैदा होती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होती है। तो स्केर्सिटी का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है पैदा, उन सब के पीछे जो रूट है वो क्या है, स्केर्सिटी है। यानी कि स्केर्सिटी का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सभी वांट्स की को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्सेज का यूज किया जाए और कौन से रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज या कौन सी वांट्स को हम सेक्रीफाइस कर दें। तो बच्चों वांट्स अनलिमिटेड है हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अल्टरनेटिव यूज है। बच्चों अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि एक रिसोर्स को आप कई सारे कामों में लगा सकते हो, इसीलिए तो चॉइस करोगे। अगर मान लीजिए आप चॉइस नहीं कर सकते, मान लीजिए ये टीवी है, अब इस टीवी का प्रयोग मैं मूवी देखने के लिए भी कर सकता हूँ, पढ़ाने के लिए भी कर सकता हूँ, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अगर मान लीजिए सिंपल व्हाइट बोर्ड होता केवल लिखने के काम आता, यानी कि आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि रिसोर्सेज का यूज अब एक से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करने में कर सकते हो। तो बच्चों इसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और जब वो पूरे देश की होती है तो सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। अब मूल रूप से तीन तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस के अलावा ग्रोथ की भी समस्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी एक समस्या मानी जाती है, और इग्नो की किताब का हमने रेफरेंस लेंगे तो उसमें हमने देखते कि नई तरीके की समस्या बता दी गई है। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है ये करना, हालांकि मैं करवा रहा हूँ बच्चों को। वहाँ पे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स की चॉइस की भी समस्या बता दी गई है, और साथ ही साथ मैरिड गुड्स कितनी बनेगी वो भी समस्या बता दी गई है। तो मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके यूज़फुल है तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो मैं आपको तीन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बताने वाला हूँ बच्चों। सबसे पहले उसमें सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है, देखिए इसका मतलब भी क्या है पहले हम समझ लेते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट क्या क्या, तो क्या का मतलब क्या है, इसके अंदर दो एस्पेक्ट आएंगे। सबसे पहला कौन सी वस्तु बनाई जाए, कौन सी गुड्स बनाई जाए, यानी कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, और दूसरा हमारी कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रिसोर्सेज हैं, अब 100 यूनिट आप लेबर बोल देते हैं, हम सिंपल मानने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास लेबर ही है। अब लेबर का प्रयोग आप कितने कामों में कर सकते हो, आप वीट भी बना सकते हो, राइस भी बना सकते हो, हम दो ही गुड्स मान के चल रहे हैं, मान लीजिए हम वीट और राइस है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में वीट बनाओगे तो राइस कम बनेगा भाई। अगर मान लीजिए आपके पास फैमिली में, मान लीजिए फैमिली मेंबर आ गए, रिश्तेदार आ गए, मामा आ गए,
या बू आ गई तो आपके मम्मी के पास में या आपकी मदर के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको चॉइस करना पड़ेगा कि क्या बनाया जाए। और एक बार ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या बनाया जाए, मान लीजिए पनीर की सब्जी बनाने का फैसला ले लिया, और लेकिन कितना पनीर बनाया जाए, कितने चावल बनाए जाए, ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आप अनलिमिटेड मात्रा में चावल बना लो या अनलिमिटेड मात्रा में सब्जी बना लो। भाई लिमिट तो होती है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपकी जरूरतों को पूरा कर पाए, इस तरीके का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, यानी कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोड्यूस। तो बच्चों सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है हमारी, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की ये पहली समस्या है, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड ये पहली समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाए, यानी कि कैपिटल गुड्स कितनी बनाई जाए, कंज्यूमर गुड्स कितनी बनाई जाए, इसी तरीके से वॉर गुड्स कितनी बनाई जाए या नॉर्मल गुड्स कितनी बनाई जाए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सलेक्शन करना पड़ता है उन गुड्स का, उन सर्विसेज का जिसको एक इकोनॉमी बनाने में, पैदा करने में इंटरेस्ट दिखाती है। एक बार मान लीजिए इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि क्या बनाया जाए, उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस। यानी कि एक बार इकोनॉमी ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाया जाए, एक बार मदर ने डिसाइड कर लिया कि कौन सी सब्जी बनाई जाए, उसके बाद ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी बनाई जाए, क्योंकि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो सामान बना नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों कि आप जितना चाहे सामान बना दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप एक बार ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सी गुड्स बनाई जाएगी, उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस गुड्स को आप बना रहे हो, जिस सर्विस को आप बना रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जितना चाहे सामान नहीं बना सकते। इसीलिए सबसे पहली समस्या जो आ रही है हमारे सामने वो आ रही है व्हाट टू प्रोड्यूस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि इकोनॉमी के पास में बहुत सारी गुड्स की डिमांड है, बहुत सारी गुड्स की जरूरत है, सारी गुड्स वो नहीं बना सकती, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसीलिए इकोनॉमी को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो पहली समस्या मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जिसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस ये भी हमारी एक तरीके की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की सेकंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का रिलेशन होता है टेक्नोलॉजी के चूज करने से। देखिए भारत के पास लेबर अमेंडमेंट है, लेबर 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 लेबर, जिधर देखोगे आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। ऐसे देश में जहां पर लेबर ज्यादा हो, डेफिनेटली वहां पर लेबर सस्ता भी होगा। तो देश एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश करेगा जहां पर लेबर ज्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लेबर कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि हमें केवल यही नहीं देखना कि लेबर का यूज होगा कि नहीं होगा, हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी है। इसीलिए एक इकोनॉमी के सामने ये समस्या आती है कि क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक यूज करे, यानी कि सबसे बड़ी समस्या आती है कॉस्ट एफिशिएंसी रखने की। अब मान लीजिए अगर आपको कोई रोड बनाना है तो आपको क्रेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो रोड को प्लेन करता है उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग ये काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैपिटल और लेबर दोनों ही चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इकोनॉमी के सामने हमेशा ये चॉइस होती है कि वो ज्यादा लेबर और कम कैपिटल का यूज करे या कम कैपिटल और ज्यादा लेबर का यूज करे। यानी कि किसी भी देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करे, लेबर अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी यूज करे या कैपिटल अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करे। यानी कि वो कपड़े को बनाने के लिए मशीन का यूज करे या हाथ से कपड़े बनाए। यानी कि एक इकोनॉमी के सामने लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी का, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी के चुनाव की समस्या आती है। बच्चों कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लेबर और कैपिटल के बिना काम हो जाए, दोनों की जरूरत होती है, लेकिन ये डिसाइड करने का काम इकोनॉमी को करना पड़ता है। अब देखिए हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, जैसे कैपिटल इकोनॉमिक्स में अलग तरीके का सॉल्यूशन होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरीके का सॉल्यूशन होता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां पर हम आपको समस्या के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज वो करे। जैसे इंडिया जो है वो कोशिश ये करता है कि लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज हो, हालांकि हर सेक्टर में ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह आपको कैपिटल का यूज ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो बच्चों तीसरी समस्या के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है,
क्योंकि अल्टीमेटली आपको गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए एक मिनट बस बच्चों, हाँ चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, बहुत ही सिंपल सी तरीके से समझाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं, और मैंने क्या किया, कुछ बच्चों ने हमारा कोर्स बाय किया, मान लीजिए मेरी इनकम हो गई 100 रुपीज। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1000 रुपीज क्या सारे के सारे मेरे हैं? तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले आता है रेंट जाता है, ठीक है, यानी कि अगर आपने कहीं से मकान लिया हुआ है तो आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए बैंक से पैसा लिया हुआ है ये सारा सेटअप बिठाने के लिए, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ मान लीजिए लेबर भी काम करेगा तो उसको वेज देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ हिस्सा प्रॉफिट के रूप में आप भी रख सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक इकोनॉमी किसके लिए प्रोडक्शन करेगी? देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 1000 रुपीज में का बंटवारा होगा, बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है कि किसने प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इसीलिए अगर कोई दुकान कॉर्नर पर है तो उसको रेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, जब इनकम होगी, तो कोने की दुकान होने की वजह से उसकी इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मेरे केस में कोने की दुकान की जरूरत नहीं है, हम अगर छोटे से कमरे में किसी भी जगह से वीडियो बनाएं तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, हालांकि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे केस में रेंट जो है वो काफ़ी कम जाएगा, यानी कि मान लीजिए रेंट जो गया वो मात्र 10 रुपये गया या 100 रुपये गया। अब इंटरेस्ट की बात करें, अब देखिए बहुत बड़ा तो हम सेटअप हमारा है नहीं, लेकिन हम फिर भी ये मान लेते हैं कि बैंक से हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो इस केस में हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो मान लीजिए 50 रुपए देना पड़ेगा हर महीने का। इसी तरीके से मान लीजिए वेज देना पड़ेगा 200 रुपए का, और बचे हुए लगभग लगभग मान लीजिए 750 रुपए मेरे पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी जब प्रोडक्शन करेगी तो इस बात को ध्यान में रख के करेगी कि प्रॉफिट कमाने वाला व्यक्ति कौन है, किस तरीके का उसका नेचर है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, किस तरीके का वो रखता है। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टरों के बीच किस तरीके से है उस पर डिसाइड करता है किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। अब आप देखिएगा, आपको किसी कॉलोनी की कल्पना कीजिए जहाँ पर बहुत ही मतलब आप कह सकते हो लोअर इनकम का ग्रुप रहता है, तो वहाँ पे कार कंपनी का शोरूम तो होगा नहीं क्योंकि खरीदने वाले नहीं है। कार कंपनी का शोरूम वहाँ होगा जहाँ पर हाई लेवल के लोग रहते हैं, जिनकी इनकम का लेवल हाई है, या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वहीं खुलेंगे जहाँ पर हाई इनकम के लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति इसी अपना प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, वो मार्केट में किस जगह को प्लेस करेगा, उसका प्राइसिंग क्या होगा, वो इसी बात को ध्यान में रखकर करता है किसके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बच्चों टॉपिक पे हम अपने वापस आ जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ भी रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी इनकम जो है वो कैपिटल को दे दी जाए, लैंड को दे दी जाए, वेज को दे दी जाए, सॉरी लेबर को दे दी जाए, लैंड को दे दी जाए, और कैपिटल को दे दी जाए, और एंटरप्राइजेस को दे दी जाए, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में यही डिसाइड करता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी इकोनॉमी उसी के लिए प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम बात ये भी करेंगे कि दो तरीके की बातें हम करते हैं, तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि व्यक्तियों के बीच कितना पैसा बांटा जाए, राम मोहन श्याम, ठीक है, ये लोगों के नाम रख दिए, उनके बीच कितना पैसा बांटा जाए। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कितना कितना पैसा दिया जाए, दोनों में से कोई एक का यूज़ करते हैं, ठीक है जी, या तो विष्णु गुप्ता बोल दो या एंटरप्राइजेस बोल दो, आप जो मर्जी बोल सकते हो। इस तरीके से बच्चों डिवाइड होता है। इसके अलावा बच्चों एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हालांकि बेसिकली तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा बच्चों और एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। देखिए इसके लिए भी चलिए मैं आपको वहीं समझा देता हूं। देखिए प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, एक मिनट, हाँ यहां समझाते हैं। देखिए बच्चों ग्रोथ ये होती है, ग्रोथ मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बना रहा हूं, ग्रोथ ये मान लीजिए ग्रोथ हो, इस तरीके की चीजों को ग्रोथ बोलते हैं।
ये हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ ग्रोथ है ये। अब ये ग्रोथ को अचीव करना हर किसी इकोनॉमी का टारगेट होता है, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ को अचीव नहीं करती है तो वो इकोनॉमी के पास एक तरीके का स्टैटिक आ जाएगा। ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा पाती है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट की भी एक प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। वो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप बोल सकते हो बच्चों कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें एक इकोनॉमी को ये देखना पड़ता है कि क्या उसके रिसोर्सेज का यूज किस तरीके से फुल हो। क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो भी फैक्टर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कोई भी हो, अगर उसका यूज प्रॉपर नहीं होता तो किसी भी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट जाती है, और कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को घटाना। यानी कि बेटा ये बच्चों ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना ही किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में। देखिए पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, अगर आप पब्लिक फाइनेंस मुझसे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक गुड्स क्या होती है। पब्लिक गुड्स वो होती है जिसके अंदर दो फीचर होते हैं, एक्सक्लूडेबिलिटी का और एक्सक्लूजन एंड राइवल का। ये प्राइवेट गुड्स होती है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट नहीं करेगा, एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि जो पेमेंट नहीं करेगा उसको कंजम्पशन करने से हटा दिया जा सकता है, और राइवल का मतलब है, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम बता देंगे बच्चों आप बच्चों को आगे फर्दर। और राइवल का मतलब होता है कि अगर आप कंजम्पशन करते हो तो आपके लिए, तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन अगर मेरे पास है तो दूसरे के पास वो मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का यूज़ केवल वही कर सकता है जो उसके लिए पेमेंट करे। पब्लिक गुड्स वो होती है बच्चों जो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, जैसे पार्क है, रोड है, डिफेंस है। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में पब्लिक गुड्स और कितनी मात्रा में प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए, हालांकि अगर आप वो चाहोगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है पब्लिक गुड्स के ऊपर, उसमें हम बहुत डिटेल में डायग्राम वगैरह बना के आपको समझाएंगे। तो ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया, जिससे कि आपको अगर पॉइंट लिखना हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप करके भी इसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स। देखिए मेरिट गुड्स क्या होती है, मेरिट गुड्स आर सोशली डिजायरेबल गुड्स। स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, सॉरी रोड नहीं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इवन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम इंडिया में हुआ था वो भी एक तरीके की मेरिट गुड्स है। मेरिट गुड्स वो होती है जिसको जो सोशली डिजायरेबल होती है, जिसकी इकोनॉमी को जरूरत होती है, जिसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है। लेकिन फिर क्वेश्चन वही उठ जाता है कि गवर्नमेंट के पास भी पैसा लिमिटेड है, गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा अगर मेरिट गुड्स पे खर्च कर देगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगी। इसीलिए इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कितनी मात्रा में मेरिट गुड्स की को लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों ये बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। एक कांसेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इस कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझा देते हैं। और एक बार आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पहले आपको एक टॉपिक करा रहे हैं जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पाते हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ खोनी पड़ती है, तो किसी चीज़ को पाने की कॉस्ट जो है वो उस वो सेक्रीफाइस करना है जिससे आपने खोया। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ए ऑप्शन है वीडियो बनाने का, जो कि मैं अपने घर पे बना रहा हूँ, लाइट भी मेरी, बिजली भी मेरी, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक भी मुझे आता है, तो जो कॉस्ट है वो जीरो नहीं होती बच्चों, ये आप याद रखिएगा। कॉस्ट नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होती। क्योंकि अगर मान लीजिए यही काम मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए करता या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कर देता, मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में अपना लेक्चर देने जाता, तो मेरे हिसाब से मुझे एक घंटे के मान लीजिए 1500 रुपये मिल जाते, ठीक है, 1500 रुपये पर लेक्चर मुझे मिल जाता। अब 1500 रुपये पर लेक्चर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं एक घंटे में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरी कॉस्ट है अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो,
बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। इसका मतलब आपने क्या चुना, आपने मैंने चुना मान लीजिए वीडियो बनाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस भी तो किया जो मैं कर सकता था। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आपने सेक्रीफाइस किया उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम MRT भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन द एडिशनल यूनिट। देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए इकोनॉमी जो है वो एक्स गुड्स बनाती है जीरो, इसका मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज वाई बनाने पे ही लगा रही है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आपको एक्स गुड्स बनानी है एक और, यानी कि एक एक्स प्लस करने के लिए आपने जो वाई सेक्रीफाइस किया, वाई सेक्रीफाइस किया आपने एक का, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस आपने सेक्रीफाइस किया एक का और गेन लॉस हुआ एक का, इसका मतलब आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वन के बराबर है। ये शेडेड एरिया जो है वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक और यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपका मतलब है कि प्लस वन हुआ तो आपने दो का सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे प्लस वन हुआ और यहाँ पे प्लस वन हुआ, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो इक्वल अमाउंट में, आप देखोगे कि जो वाई की क्वांटिटी है, आप देख पा रहे होंगे वाई की क्वांटिटी जो है लॉस जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक्स की अमाउंट को बढ़ाते हो इक्वल अमाउंट में और वाई का सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आप देखिए यहां पे ये जो शेडेड एरिया ये बड़ा होता चला गया, यानी कि सेम अमाउंट बढ़ाने पर आपको जो लॉस है वो पहले 10 का लॉस हुआ, फिर 20 का लॉस हुआ, फिर 30 का लॉस हुआ, फिर 40 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता चला, सॉरी सेक्रीफाइस का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग MRT। ये भी पॉसिबल है बच्चों कि अगर आप एक्स अमाउंट इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहे हो, हाँ ये भी पॉसिबल है कि आप इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहे हो, जैसे प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, तो आपका जो सेक्रीफाइस है वो टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि एक्स की सेम अमाउंट बढ़ाने पर आपने वाई का जो सेक्रीफाइस है वो कांस्टेंट रहा, इसीलिए इसको कांस्टेंट MRTS बोलते हैं। और इस केस में अगर आप PPC बनाओगे तो जो स्लोप है PPC का वो बिल्कुल सीधी रेखा में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये समझना है कि अगर हमारा जो कॉस्ट है वो इस तरीके की है कि अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो इक्वल अमाउंट में एक्स को बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ पे बना रखा है वन बढ़ाया, और आपका जो सेक्रीफाइस है वो आप देखो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेक्रीफाइस घटने की वजह से आपका जो MRT है वो भी घटेगा और जो स्लोप बनेगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा इस तरीके का। अब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी MRT तीन तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है जब आप x को समान अमाउंट में बढ़ाते हो और y जो है उसका सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाए, कांस्टेंट भी हो सकती है जब x को आप इक्वल अमाउंट में बढ़ाते हो और y का जो सेक्रीफाइस है वो कांस्टेंट रहे, और डिमिनिशिंग भी हो सकती है। लेकिन प्रोडक्शन के क्षेत्र में यानी कि जब प्रोडक्शन की बारी आती है तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लागू होती है, जिसकी वजह से जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बनाते हैं तो वो कॉनकेव शेप में आ जाता है। अब मैं आपसे ये मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रोडक्शन के सेक्टर में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में आखिरकार इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लागू क्यों होती है, कोई और लागू क्यों नहीं होती, यही मैं आपको समझाने का बच्चों मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा, पूरी कोशिश ये रहेगी। अब इसके लिए देखिए मैंने आपको एक अलग पेज ले लेता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक नदी के किनारे पे, ये मान लीजिए एक नदी है और इस नदी में के ये मान लीजिए प्लॉट है। हम सिंपल समझाने के लिए आपको ले लेते हैं, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम ये मान लेते हैं कि चलिए इक्वल अमाउंट में प्लॉट हमने दे दिए। अब एक फैक्टर सभी चीज़ों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, मतलब ये हुआ कि इस लैंड पर आप
हर लैंड पर आप 10 कमरे बना सकते हो, 10 हाउस बना सकते हो या 10 रूम बना सकते हो, मैं हाउस की जगह रूम लिख देता हूँ, यानी कि हर पर 10 रूम बना सकते हो आप। सिंपल सी बात ये है, 10 रूम बना सकते हो, यानी कि अगर आप सारा का सारा पैसा, सारे के सारे फैक्टर को रूम बनाने पे ही लगाते हो तो आपको कितने रूम बनेंगे, 100 रूम बन जाएंगे। और इस केस में जो वीट बनेगा, क्योंकि आप लैंड पर वीट भी तो बना सकते हो, तो जीरो बनेगा, जीरो क्विंटल बनेगा। ये आपको समझना होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो भूमि है, ये लैंड है, वो डिक्रीजिंग उसकी प्रोडक्टिविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंड पर आप 10 क्विंटल गेहूं बना सकते हो, इस पर आप 6 ही बना सकते हो, इस पे 4 बना सकते हो, इस पर बनाने के बनाएगा मान लीजिए 3.5, ठीक है, इस पे बनेगा मान लीजिए 3.4 और इस पे बनेगा मान लीजिए 3.1। इस तरीके की हमारी कंडीशन है। इसी तरीके से मान लीजिए इस पे बनेगा, मतलब आप पॉइंट आप रख लीजिएगा, लेकिन इसको मिलाकर ये 10 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 10 गेहूं बने, ये वाला गेहूं, यानी कि गेहूं बनाने में, वीट बनाने में काम आने वाला है, तो इसका मतलब है कि 10 वीट बनाने के लिए हमें 10 कमरों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात क्लियर कर लीजिए आप हमारे को। इसका मतलब अब आपके पास जो रूम बचे वो 90 बचे। सी कॉम्बिनेशन क्या बताता है? सी कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर आप 10 और गेहूं बनाना चाहते हो तो आपको इसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि अब यह बताता है कि अगर आप 20 गेहूं बनाना चाहते हो तो अब आपके पास जो रूम बचेंगे वो केवल 70 बचेंगे। इसी तरीके से हम डी कॉम्बिनेशन ले लें तो ये तीन चीजें हमें, तीन का प्रोडक्शन, यानी कि तीन चीज, तीन लैंड पे हम 10 क्विंटल गेहूं बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 30 होने के लिए हमें ये तीन कमरों को, तीन जगह को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि केवल और केवल 40 का ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा ई कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर आप ये सारा का सारा गेहूं बनाने में खर्च करते हो तो आपको ये 40 रूम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रूम बनेगा वो जीरो, तब जाके ये 40 बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने गेहूं बनाने में उस लैंड का प्रयोग किया जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो इक्वली एफिशिएंट ना होने की वजह से, फैक्टर की वजह से, हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, और इसकी वजह से जो हमारा शेप बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो कॉनकेव ही बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर और अपने टॉपिक को हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट बेटा, यहां से शुरू होता है, हाँ, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितनी गुड्स का? टू गुड्स का। हम यहां पे जब मान के चल रहे हैं कि दो गुड्स हैं, एक वीट है और एक मशीन है, तो दोनों में इक्वल ही वो एक तरीके से एफिशिएंट नहीं है। अगर हम ये मान भी ले कि फैक्टर मशीन में इक्वली एफिशिएंट है तो वो वीट बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो 10 गेहूं बनाना तो शुरुआत में आपको 10 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 20 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 30 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा, और फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 40 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी वजह से आप देखोगे कि जो आपका पीपीसी का शेप होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव, आप कह सकते हो विच गिव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी शो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मैं आपको एक पीपीसी बना देता हूं, ये समझ आने के लिए आप, अच्छा ये रहेगा पीपीसी। देखिए ये वाला पीपीसी है, आपको याद रखना है बच्चों जितने भी पॉइंट होंगे, एक मिनट बेटा, जितने भी पॉइंट होंगे पीपीसी के ऊपर,
जितने भी पॉइंट होंगे पीपीसी के ऊपर। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का पूरा यूज हुआ। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये सारा का सारा हिस्सा, ऊपर जो हिस्सा है इस लाइन से ऊपर, ये अनअटेंडेबल है, यानी कि आप इसको गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी में आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। यानी कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में आप केवल और केवल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उन्हीं को अचीव कर सकते हो, उसके बाहर के जो पॉइंट है, ये वाला जो जैसे पॉइंट दिखा रखा है, ये अनअटेंडेबल है, अनरीचेबल है। और ये वाला जो पॉइंट है ये अटेंडेबल तो है, लेकिन ये हमारे को दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होगा, ऊपर मतलब से ऊपर नहीं, के ऊपर, याद रखिएगा, के ऊपर बोला है मैंने, से ऊपर नहीं बोला, के ऊपर होगा, यानी कि बाउंड्री के ऊपर होगा, वो दिखाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर फुल्ली यूटिलाइज। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ऊपर चला जाता है, पॉइंट के बाहर चला जाता है, तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो ये बच्चों हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ही जी पॉइंट की बात करेंगे, तो जी पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है, जी पॉइंट हमें दिखाता है दैट रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। यही बच्चों हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी assumption की। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना है, assumptions के ऊपर based पे हम बता देते हैं बच्चों आपको। सबसे पहले हमने माना है टू गुड्स है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमी में केवल टू ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। हमने ये भी माना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि लिमिट नहीं होगी तो पीपीसी की बाउंड्री बनेगी नहीं। लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूज होता है, अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा तो भी बाउंड्री नहीं बनेगी। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बाउंड्री बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उनका पूरा तरीके से यूज हो रहा है। इसके अलावा लेवल एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि हम टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का चेंज को एज्यूम नहीं करते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन दी प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो सभी गुड्स को प्रोडक्शन करने में इक्वली सेटिस्फेक्शन नहीं होते। अगर हम ये मान भी लें कि एक गुड्स के प्रोडक्शन करने में वो इक्वली सेटिस्फाइड हैं, तभी भी दूसरी गुड्स को प्रोडक्शन करने में वो इक्वली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी की वजह से आप देखोगे कि दूसरी गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है, तो जैसे जैसे आप दूसरी गुड्स को प्रोडक्शन करते हो, पहली गुड्स जो है उसका सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा बच्चों स्लोप की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया, दो बातें आपको याद रखनी है, मैं आपको चलिए यहाँ ही बता देता हूँ, अलग से बता देता हूँ, हाँ इसमें बता देते हैं, एक पेज ले लेते हैं अलग से। देखिए दो बातें आपको याद रखना है, पहला ये होता है पीपीसी, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप है। अगला ये कॉनकेव है, देखिए डाउनवर्ड का मतलब है कि अगर आप एक्स को बढ़ाते हो तो आपको वाई सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, यानी कि पीपीसी डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमी में एक गुड्स को बढ़ाते हो, एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी 100% घटेगी। दूसरा आपको यह याद रखना है, कॉनकेव शेप का मतलब है कि अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, तो अगर आप एक्स की क्वांटिटी को इक्वल अमाउंट में बढ़ाते हो, तो जो वाई का जो फॉल है वो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि पहले अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो 10 का प्लस एक्स 10 है, या प्लस 10x हो रहा है, तो जो y का लॉस है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, सॉरी, या हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो कोई भी आप बोलिएगा, लेकिन बात बच्चों वही है जो मैंने आपको बताइए। तो दो फीचर्स होते हैं, पहला डाउनवर्ड होता है, दूसरा कॉनकेव होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें आता है, वो ये आता है कि बच्चों मतलब इकोनॉमी में जो 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 पीपीसी है वो कब शिफ्ट कर सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं पेज ले लेता हूं बच्चों, वही वाला जो हमने पहले ले रखा था, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए मैं आपको यहां समझाता हूं, हमने ये माना था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज गिवन है और टेक्नोलॉजी गिवन है,
यानी कि गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी में आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी, ये वाली बाउंड्री मिल गई। मान लीजिए ये एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए 40 का, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है 100 का। ये बिल्कुल सिंपल सी बात समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप चाहते हो कि ये बाउंड्री चेंज हो तो या तो टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा या रिसोर्सेज में चेंज करना पड़ेगा। अब पहला चेंज इस तरीके से हो सकता है, ऐसा, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि जो एक वाई का प्रोडक्शन है वो तो सेम रहा लेकिन एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसा कब होगा? जब रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे फॉर ओनली एक्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी फॉर ओनली एक्स। ये आप याद रखिएगा बच्चों, तभी ऐसा होगा। यानी कि जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे लिखें, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखते तेल का कुआं, तेल है, तो अगर मान लीजिए तेल का कुआं हमें और मिल जाए तो डेफिनेटली हम कार का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन तेल ज्यादा पैदा कर पाएंगे क्योंकि एक ही चीज का हुआ है। दूसरी तरीके से मान लीजिए अगर इस तरीके का डायग्राम बनाएं, ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप पहले से ज्यादा वाई गुड्स बना पा रहे हो जबकि एक्स गुड्स पहले के बराबर 40 ही बना पा रहे हो। और ऐसा कब होता है बच्चों? जब आपका रिसोर्सेज बढ़ जाता है और रिसोर्सेज बढ़ने का काम बढ़ने की वजह से केवल एक्स गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, सॉरी वाई गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से केवल और केवल वाई गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, एक्स की टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब जाके आप इसी तरीके का डायग्राम बनाओगे। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दोनों ही फैक्टर्स में या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दोनों ही फैक्टर्स के लिए, तो ये मान लीजिए 100 है, ये हमारा 40 है, यहां हम एक्स लिख देते हैं, यहां हम वाई लिख देते हैं, यहां हम वाई गुड्स लिख देते हैं, उस केस में ये ऐसे ही चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया आ भी रहा होगा बच्चों। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, हमने सारी बातें वही की हुई है बच्चों। देखिए ये सारे डायग्राम वही है, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे रिसोर्सेज डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर डिक्रीज करेगा रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी खराब होगी तो अंदर की तरफ चला जाएगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी या रिसोर्सेज अच्छी होंगी तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके बच्चों, तो यही सारी बातें आपको समझनी है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है एक्स के लिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है वाई के लिए। तो बच्चों यही सारी पॉइंट आपको कवर करने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।